अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी भेलपूरी की रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया है बोल, इसमें हम डाल देंगे 1 कप भर के मुरमुरा। और अब हम इसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून नमकीन, ये मिक्स नमकीन है। और अब हम इसमें डालेंगे पापड़ी, तो हमने 2 पापड़ी लिया था जिसे हमने क्रश कर लिया था, तो इसे भी हम इसमें डाल देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे प्याज, तो हमने 1 छोटी साइज़ की प्याज बारीक कट करके लिया है, इसे डाल देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 हरी मिर्च। और 2 टेबल स्पून हमने लिया है टमाटर, इसे भी डाल देंगे। और हमने 2 टेबल स्पून ही लिया है सेव, इसे भी डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर और नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब हम इसमें डाल देंगे अनारदाना, तो हमने यहाँ पे 2 टेबल स्पून लिया है, पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा हम रख देंगे गार्निशिंग के लिए। और 1 टेबल स्पून डाल देंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी और 1 टेबल स्पून ही डाल देंगे हरी चटनी। और अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 नींबू का रस। तो हमने सारी चीज़ें इसमें डाल दिया है और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे अलग से मूंगफली नहीं डाला है, क्योंकि जो मिक्स नमकीन थी उसमें मूंगफली थी और मुझे इतना पसंद नहीं है मूंगफली। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप अलग से भी डाल सकते हैं। तो हमने इसे मिक्स कर लिया है और ये अब बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसे सर्व करेंगे और गार्निश करेंगे अनारदाने और धनिया की पत्ती से। तो ये बिल्कुल अब रेडी है और अब आप देख ही सकते हैं कि ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ही मज़ेदार लगता है ये। अगर शाम की हल्की फुल्की भूख हो और कुछ चटपटा खाने का मन हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।